नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉर सूप। ये वही सूप है जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में पीने जाते हैं और वहाँ ये काफी महंगा मिलता है, तो क्यों ना इसे आज घर पर ही बनाएं? मैं आपके साथ एकदम ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर ही बना सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम चिकन। यहाँ मैंने हड्डी वाला और बोनलेस दोनों तरह का चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन स्टॉक यानी कि यखनी को ज्यादा फ्लेवरफुल और हेल्दी बनाता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप हड्डी वाला चिकन ही लें। अब एक पैन लें और इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल को पैन में अच्छे से फैला दें और गैस की आंच मध्यम रखें। अब इसमें चिकन डालें। चिकन को हल्का सा तेल में 2 मिनट तक भूनें। यह स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे चिकन का गुलाबी रंग सफेद और हल्का गोल्डन हो जाता है, साथ ही चिकन का खून और स्मेल भी खत्म हो जाती है। कुछ लोग चिकन को सीधे पानी में डाल देते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन के लिए यह सही तरीका नहीं है, इसलिए हल्का फ्राई करना बहुत जरूरी है। जब चिकन का रंग हल्का गोल्डन हो जाए तो इसमें एक आधा लीटर पानी डालें। इसके साथ 1 इंच अदरक और आधा प्याज टुकड़ों में काट कर डालें। इससे स्टॉक खुशबूदार बनेगा। अब इसे ढककर उबलने दें। जैसे ही यह उबलने लगे, ऊपर जो झाग या फोम आता है उसे हटा दें। यह झाग स्टॉक की सफाई और स्वाद को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद इसे धीमी मध्यम आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं और बीच बीच में झाग हटाते रहे। यखनी को 10 से 15 मिनट तक पकाने के बाद 1.5 लीटर यखनी में से अब लगभग 1 लीटर यखनी बची है। अब इसी हिसाब से हम इसमें सब्जियां और बाकी सामग्री डालेंगे। इससे सूप का स्वाद और टेक्सचर दोनों परफेक्ट बनेंगे। अब स्टॉक तैयार है। चिकन का आधा हिस्सा मोटे टुकड़ों में काट लें ताकि सूप में टेक्सचर बना रहे। बाकी चिकन को पतले रेशों में काट लें और हड्डियां हटा दें। अब चिकन स्टॉक में डालें 1 मीडियम साइज की बारीक कट्टी गाजर, 1 कटोरी पत्ता गोभी, 2 टीस्पून सिरका, 3 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपके पास सफेद मिर्च हो तो वह डालें, नहीं तो काली मिर्च थोड़ा और डालें, और स्वादानुसार नमक। अब इसमें कटा हुआ चिकन डालें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि सब्जियां हल्की मुलायम हो जाएं। आखिर में 1/2 कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च डालें। सूप को गाढ़ा करने के लिए 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर इसमें डालें और 2 से 3 मिनट और पकाएं। अब सूप में अंत में अंडे की सफेदी डालें। ध्यान रखें, अंडे की जर्दी न डालें। पहले अंडे की सफेदी को अच्छे से फेंट लें और फिर इसे धीरे धीरे सूप में डालें। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल लुक चाहते हैं तो अंडा डालने के बाद 10 से 12 सेकंड तक सूप को बिल्कुल न छेड़ें। इससे अंडे की परत सूप में एक सुंदर आकार लेगी। इसके बाद धीरे से चम्मच चलाएं। अब 10 सेकंड हो गए हैं, तो चलिए सूप को चलाते हैं।
अंडा डालने के बाद इसे 3 मिनट तक और पकाएं ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए और उसकी कोई भी गंध खत्म हो जाए। अब हमारा सूप पूरी तरह से तैयार है। इसकी गाढ़ापन देखें, यह एकदम परफेक्ट है। अंडा भी बहुत अच्छे से पक चुका है। ध्यान रखें कि आप सामग्री के अनुपात का सही ख्याल रखें। चिकन स्टॉक की मात्रा के अनुसार ही सब्जियां और चिकन डालें। ज्यादा मात्रा सूप को भारी बना सकती है। सही माप के साथ सूप बनाएं ताकि आपको रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर मिले। सूप के ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती छिड़कें और इसे उबले अंडे के टुकड़ों के साथ सर्व करें। तो लीजिए, हमारा गर्मागर्म और मजेदार हॉट एंड सॉर सूप तैयार है। इसे जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपका सूप कैसा बना। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कीप कुकिंग।